कॉन्ग्रेचुलेशन मिलो। थैंक यू। मैं हमने आपके ही एक कोई लाइन में आपके सफर को अगर बयां करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? I mean, तुरंत तो मुझे कोई लाइन नहीं याद आ रही और ऐसे मेरा कोई ऐसा अंदाज नहीं है जो मैं लिखता हूँ, बट आई जस्ट वांट टू से कि थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड व्हाटएवर हैपेंड। राइट, तो जब ऑफर हुआ था इनिशियली तो आपने तो मना कर दिया था जी, तो उससे लेकर अब तक का ये सफर कैसा रहा और परसेप्शन कितना चेंज हुआ? परसेप्शन 360 चेंज हुआ मेरा। पहले तो मैं कहूँ, जैसे मैंने बताया कि यू नो कि खतरों के स्टाइल के अलावा और जो लोग देखते हैं, जिन्होंने देखा हुआ, मैंने तो शो भी नहीं देखा था इससे पहले, तो लोगों ने बोला था भाई बहुत ही डरावना शो है, बहुत ही डेंजरस है, फिर तो वहाँ पर जाएगा, वो अलग फील्ड है, तेरी अलग फील्ड है, तो क्या करने वाला, कैसी चीज़ें होने वाली है। सो सबसे कुछ डर मेरे दिमाग में था, लेकिन टू माई सरप्राइज और पॉजिटिवली सब कुछ ऑपोजिट निकला, जिस चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। इट वॉज अमेजिंग। राइट, सो जब एक स्टंट के दौरान आवाज भी चली गई थी, आई गेस करंट, तो तब क्या रिएक्शन था, कितना झटका लगा था? तो रिएक्शन ये मैं फ्रस्ट्रेशन बहुत था, क्योंकि एक्चुअली वो एंड टाइम था, तो लोगों से मुझे बात करनी थी और लोगों से एक्सप्रेस करना था मुझे कि क्या मुझे लग रहा है, लेकिन मैं बात बोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि 3 दिन तक मेरी आवाज़ ऑलमोस्ट चली गई थी, मैं इतना चलाया था स्टार्ट में। सो वो फ्रस्ट्रेटिंग बहुत था कि लोग एंड टाइम था और बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ बोलना था और मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा था अपने आप को, तो मैं बहुत ऐसा फ्रस्ट्रेट हो रहा था अंदर से कि क्या हो गया यार। राइट, तो यू नो हमने कई बार देखा कि जब स्टंट परफॉर्म करता है कंटेस्टेंट तो बाकी के कंटेस्टेंट जो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, तो क्या उनका वाकई में फायदा होता है? हाँ बिल्कुल फायदा होता है। हर कोई इंसान जो आपको, और मुझे लगता है कि जेन्युइनली आपको जीतता देखना चाहते हैं बहुत सारे लोग उसमें से, और बहुत सारे क्या बहुत सारे लोग आप, तो जब भी वो बात करते हैं, आपको बोलते हैं या फिर बोलते हैं भाई तू कर लेगा, तो वो आप उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में आपका एक भी मोटिवेटिंग स्टेटमेंट आपको बहुत यू नो बहुत मोटिवेट कर देता है। सो इट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल, यू नो वेरी हेल्पफुल सब लोग का बोलना। आमतौर पे जब खतरों के खिलाड़ी के कंटेस्टेंट की बात आती है तो आपके लिए पूरी अलग दुनिया थी, क्योंकि टीवी एक्टर्स ज्यादा से ज्यादा रैपिंग वर्ड में पूरी थी, तो जब शुरुआत और अब जाके जब आप बहुत अच्छे दोस्त बन गए तो ये परसेप्शन कैसे बदला, बॉन्डिंग कैसे? मेरे बहुत सारे टीवी एक्टर फ्रेंड है, ऐसा नहीं कि मेरे को पता ही नहीं इंडस्ट्री में, तो शुरुआत में जैसे बहुत लोगों को पता है मेरे हासिल टाइम में, नॉट द शो, मेरे स्ट्रगलिंग टाइम में, कि मैंने सब कुछ किया है, मैंने टीवी के कितने सारे शोज किए हैं, मैं क्या क्या करता था पहले, तो ऐसा नहीं कि मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन पिछले ऑलमोस्ट 7 सालों से 8 सालों से मुझे इस फ्रेटर्निटी के बारे में, कम्युनिटी के बारे में नहीं मालूम, बट एवरीबडी इज सो ब्यूटीफुल, दे आर सो गुड, ऐसा लग रहा था हैंड पिक्ड, यू नो लोग आए हुए वहाँ पर जो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, और ऐसा कुछ कभी किसी के साथ में ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती थी, वो तो हर जगह होता है, लेकिन लाइक वेरी हार्डवर्किंग, वेरी जेन्युइन, क्योंकि सब लोगों ने जीरो से सब लोगों ने शुरू किया है, तो सब लोग के अंदर वो एक हम्बलनेस है। राइट, इस पूरे शो के दौरान इस तरह एक ऐसा स्टंट जो आपने बहुत एंजॉय किया और एक जो आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सब लोगों के लिए शॉक वाला स्टंट था, जो जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसकी कोई ट्रिक नहीं है, और मैं बहुत डायनामिक स्टंट सारे एंजॉय करता था, जहाँ चॉपर से उठना है, यू नो कर वो बहुत अच्छा लगता, मैं देखता था कि यार ये मुझे मिल जाए, यू नो वाटर स्टंट की कुछ भी, एनीथिंग रिलेटेड टू चॉपर्स, हाइट्स एंड वाटर, मेरे को बहुत मजा आता था, तो वो लोगों के लिए बहुत बड़ा फेयर था, लेकिन मुझे लेकिन एक स्टंट था जो बहुत डरावना था, वो एक्चुअली अपसाइड डाउन जो टी बैग स्टंट था, वो इतना डरावना स्टंट है, वो इतना बेकार है, वो इतना फोबिया दे सकता है आपको, और ठंडा पानी 3 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर का पानी में आप नीचे जाते हो, तो बहुत डरावना था। राइट, यू नो बहुत सारे नए फैंस जुड़ गए हैं और उन्हें सबसे अच्छे लगा जो आपका स्वभाव है, हम्बल। यस, तो आपको किस तरह के कुछ फीडबैक्स मिल रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को लगता है मैं अच्छा खासा एलिगेंट हूँ और मैं बोल देता हूँ जो मुझे बोलना है, तो यार थैंक यू सो मच, अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो थैंक यू। पेरेंट्स की रिएक्शन क्या थी? पेरेंट्स की रिएक्शन हम्बल है, हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है और बहुत गॉड फियरिंग लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, डैड बहुत एक्साइटेड होते हैं, मॉम तो बोलती है कि थैंक यू फॉर यू नो बी हम्बल, यू नो हैव अ फियर ऑफ गॉड, इसलिए मैंने एसेंशियल ले लिया थोड़ा। क्या आपका ये सफर जो है वो हमें रैप गाने में आगे फ्यूचर में सब देखिएगा? आप लोगों को पता ही है कि शुरू से जो मैं गाने लिख रहा हूँ वो मेरे स्ट्रगल के बारे में रहे, या मेरे कॉम्प्लेक्शन के बारे में रहे, या मेरे कुत्ते के बारे में रहे, या मेरे मॉम के बारे में रहे, या परिवार इंडस्ट्री के बारे में रहे, तो मेरी इंस्पिरेशन ही मेरी लाइफ है। तो जहाँ से मैं चीज़ें निकालता हूँ, या मेरे ब्रेकअप्स के बारे में रहे, सो ये आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ऑलरेडी मैं बोलना शुरू कर दिया है कि यू नो खतरों के खिलाड़ी के क्योंकि इतना इम्पैक्ट किया है। मैंने जो टैटू भी बनाया केप टाउन का, वो इतना पर्सनल मुझे इम्पैक्ट किया है। मैं कोई चीज़ योर टेक अवे फ्रॉम खतरों के खिलाड़ी एवरीथिंग आई कैन everything is a learning there, how to conduct yourself, how to be in a group, how to be humble, how to know your body better, how to perform stunts, how to be fearless, where to talk, when to talk, how to talk, how to face media, everything it's a learning. But फिर भी आप क्या पापराजी के मैं स्पॉटिंग होना पसंद नहीं करते था? मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं था पहले बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी थोड़ा कंफर्टेबल हो गया मैं। मतलब मैं थोड़ा सोशल कम था, थोड़ा ज़्यादा सोशल हो गया। राइट, वेल विनिंग स्टंट के बारे में लास्ट में बात करते हैं। क्या आपको पता था कि आप जीत जाएंगे आखिर? नहीं, मुझे नहीं मालूम था। मुझे ऐश्वर्या का मालूम था क्योंकि ऐश्वर्या मेरे सामने गिरी और मैं बहुत डर गया था उसको देखकर, क्योंकि एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर जाना था, उसमें लटक के जाना था और ऐश्वर्या ने अपना नी मारा सीधा उसमें और हमारे को साउंड आया और उसके बाद इतने हाइट से पानी में बहुत गंदे तरीके से गिरी और पानी में जब आड़ा पेड़ा गिरते हो तो आई नो वट हैपन्स, क्योंकि आपने बलून वाला स्टंट देखा होगा मेरा। सो मुझे मालूम तो कंपटीशन मेरे और अरिजीत के बीच में ही है और अरिजीत ने मुझसे पहले गया था और अरिजीत ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ज़्यादा। तो मेरे को तो लग रहा था कंप्लीट करना स्टंट और बाकी देखेंगे क्या, और एंड में जाने का ही प्रेशर होता है। आई हैड नो आइडिया। लास्टली जिन्होंने आपको प्यार दिया और प्यार आगे भी देंगे, उन्हें क्या कहना चाहिए फैंस को? मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जो आप लोग मेरे साथ रहे हमेशा, जो भी मैं करता हूँ, जैसा भी मैं करता हूँ। मैं ज़ीरो था, मेरे पास कुछ नहीं था, और बिकॉज यू हर्ड माय सॉन्ग्स, आपने मेरे गाने सुने, मुझे लिबर्टी दी इतना एक्सपेरिमेंट कर ले कि आई रियली वांट टू थैंक ईच एंड एवरी one of you for listening to me, for loving me.